हरियाणा एंटर कर चुके हैं जी, तो फतेहाबाद नेड़े हाँ। तो आओ गलबात करते हैं, प्रिंस साहब का अगला प्रोग्राम की है वो बारे। चलते रहेंगे फिर जिते रात होती है रुकेंगे, मकसद दिल्ली पहुँचने है किस तरीके ना पहुँचने। तो अज का जोड़ा इतने जाने का मकसद ट्रैक्टर से कार से भी जाया जा सकता है, दिल्ली पहुँचने का मकसद है। तो बिना परिवार तो भी एक बंदे की हाजिरी लग सकती है। ये एक सिंबॉलिक पंजाब के लोगों और देश के लोगों एक स्नेहा देना है कि एम एल ए वड्डा नहीं, पार्टी वड्डी नहीं, साढ़े किसान भरा जिवें असीं अकाल तख्त का हुक्म मानते हैं, इवें किसान भरावां का जथेबंदियों का स्नेहा लग्या सी। हालांकि कोई ये स्नेहा नहीं कि मैनूं कहा गया सी, लेकिन मैं महसूस कर दें कि मैं पहला किसान का पुत्र है, फिर मैं एम एल ए, फिर मैं कांग्रेसी हूँ। सो किसान का पुत होने के नाते अज आपके समय चो समा कट के मैं ते मेरी पत्नी, हालांकि बच्चे भी घर छड़ के कले मैं उन्होंने कहा, लेकिन असी आख्या कि इस जग दे विच आपका योगदान जरूर पाना। सो अज का ये सफर वो पिंडा विच भी आना, बोहे तो स्टार्ट करना क्योंकि मानसा तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है साड़ी, पार्लियामेंट इतने असी चुनाव लड़े, एक तो लोगों के सन्मुख हाजरी भी और लोगों को स्नेहा देना भी सीगा कि आओ रल मिल के आप इस मुद्दे की लड़ाई लड़िए, किसान भरावान की लड़ाई लड़िए, जो जास्ती ते धक्का किया जा रहा केंद्र सरकार और आप शांतमई पूर्वक तरीके शांति देना, कोई ऐसा गलती नहीं करनी, कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुँचा किसी व्यक्ति को जिदे नाल इस अंदोलन की बदनामी हो सके। जिस दिन जिस तरह 2.5 महीनों तो लगातार किसान भरा असी शांतमई तरीके आपका अंदोलन चला रहे, उस तरह ही अज रास्ते भी तो दिल्ली च भी जाकर आप शांतमई तरीके अंदोलन चला है, ना कि कोई आक्रमण करना है, ना कोई लड़ाई लड़नी है। सो मैं ये बेनती कराँगा, कुछ ताकतां ते साजिशां ये चाहदियां हन कि कोई ऐसा नुकसान हो, फिर असी किसानों उस चीज़ का जिम्मेदार ठहराइए कि इन्होंने नुकसान किया, इन्होंने कानून आपके हाथ में लिया। मेरी एक ही बेनती है तमाम किसान भरावों, हुक्म थोड़ा है, असी तो हुक्म जो सीगा बजा रहे हैं, लेकिन मेरी तमाम नौजवान साथियों भी जो इस अंदोलन के हिस्सा ले रहे हैं उन्होंने भी बेनती करनी चाहता है कि हिंसक नहीं होना कितने भी जे कि रोकया जाता है पुलिस वालों या वालों प्रशासन वालों तो रुक जाना भी चाहिए, पर हिंसक नहीं होना, अगे वधो जाना है दिल्ली, साडा मकसद है, असी दिल्ली सरकार को दसना है, लेकिन शांतमई तरीके नाल दसना है। सो किसान भरावां दी उस गल ते फुल चढ़ाउंदा होया मैं ते परिवार ने अज आपदा ये जिहड़ा हिस्सा ते योगदान पाया, ते बेनती करांगा कि असी सब तकड़ी होके आने वाले समय दे विच असी इस अंदोलन दे विच आपदा हिस्सा पावांगे जदों जदों किसान जथेबंदियां दा हुक्म आए। भैन अमृता जी तुहानू भी नाल देखिया गया, तुहाडी की सोच है, तुसीं कोई सुनेहा देना चाहुंदे हो किसानां नूं? सब तो पहला तां मैं सारियां किसान जथेबंदियां दा जिस तरह इन्हां ने अंदोलन चलाया होया पिछले 2.5 महीनों तों, सब तो पहला तो ये काबिले तारीफ है, कितने सुचज्जे ढंग नाल, कितने वधिया ढंग दे नाल और कितने शांतमई तरीके नाल जिहड़ा अंदोलन चल रहा है पंजाब दे विच, देखो कितने हिंसा नहीं हुई और कितना वधिया अंदोलन चलाया। सब तो पहला तो शाबाशी और काबिले तारीफ जो इन्होंने अंदोलन चलाया हुआ है। दूसरी गल, मैं अपने पंजाब के वसते आपके हरेक वीर हर भैन हर बजुर्ग को एक सुनेहा देना चाहनी है कि देखो ये जिहड़ा ऑर्डिनेंस पास होया कल किसानों वास्ते नहीं होगा, ये साड़ी पंजाब की पछाण है, किसानी पंजाबी ते किसानी इको गल है, कोई फर्क नहीं दोवां चीज़ों के, साड़े पंजाब की पछाण किसानी है, साड़ी होंद किसानी है। जे कोई भी इस तरह का ऑर्डिनेंस किसानी के खिलाफ आऊगा तो देखो वह पंजाब की होंद खत्म कर देगा। मेरा थोड़े सारे अगे हाथ बन के बेनती है कि प्लीज़ जिन्ना हो सकता है थोड़ा बहुत
ज़्यादा इस अंदोलन के हिस्सा लो ता जो इस तरह का कानून पास ना हो सके कि पंजाबी देखो ये दसन की लोड़ नहीं पंजाबी किन्ने जुझारू हुए हैं पंजाबी सरहदा की राखी किमें करती है दसन की लोड़ नहीं पंजाब गुरुआ पीर सुरबीर की धरती है पंजाब माई भागो वर्गिया बुलंद औरतों की धरती है कि अज मौका है आपकी आपकी गोंद ली आपके सूबे लिए पंजाब की धरती लिए खड़न का प्लीज़ सारे रल के इस अंदोलन के हिस्सा लो बहुत बहुत धन्यवाद।